नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर स्वागत है और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा सहित पूरा उत्तर भारत कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहा है। ऐसे में ताजनगरी आगरा में दो दिन की सर्दी के सितम से स्कूलों की छुट्टी को एक बार फिर आगे बढ़ा दिया है। जिले में 8वीं तक के स्कूल 7 जनवरी तक अब बंद रहेंगे। डीएम के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने यह आदेश जारी किया है और सभी स्कूलों पर यह आदेश मान्य होगा। वहीं अत्यधिक शीतलहर के चलते प्रदेश के कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी बोर्डों के स्कूलों का समय 14 जनवरी तक सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। अभी तक स्कूल 8:50 से लेकर 2:50 तक चल रहे थे। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव ने यह आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि पहाड़ों से आ रही उत्तरी बर्फीली हवा और नमी के साथ पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर प्रदेश प्रचंड शीतलहर की चपेट में आ गया है। कड़ाके की सर्दी से जनजीवन बेहाल हो गया है। कोहरा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सुबह सुबह इतना कोहरा हो जाता है, अपने घर के आस सामने का भी नहीं दिखता। इतना दिन पे दिन कोहरा होता जा रहा है, ठंड बढ़ने लगी है। सुबह शाम हम आग से तापते रहते हैं। कहीं जा रहे हो बाहर? नहीं जा, कहीं घूमने का प्लान ही नहीं बन पाता, इतना वो हो रखा है यहाँ। सर्दी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, स्कूल्स कॉलेजेस की छुट्टी भी हो गई है अब तो। एक बार धर्मेंद्र, सर्दी कैसी पड़ रही है? तेज है, तेज पड़ रही है। कैसे बचाव कर रहे हो सर्दी से? आग से। आग जला रहे हो? हाँ जी। हवा भी चल रही है सुबह से? सुबह से ही। आप बताओ सर्दी कैसी पड़ रही है? ठंड पड़ रही है तेज जी। तो कैसे बचाव कर रहे हो सर्दी से? आग से। आग जला रहे हो? ठीक है। ताजनगरी आगरा सहित पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में जिला अधिकारी आगरा के द्वारा एक बार फिर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कक्षा 8वीं तक के विद्यालयों की छुट्टी 7 जनवरी तक कर दी है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर भारत सहित पूरे देश में इस समय शीतलहर जारी है। आगरा में कोल्ड डे मनाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पहाड़ों से बर्फबारी के चलते यह शीतलहर जारी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और मौसम विभाग के अनुसार बचाव के लिए लोगों को अपील की गई है कि ऐसी सर्दी में अपने आप को बचाएं। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।